नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका और एक नई वीडियो में। मेरा नाम है तेजस और आज हमारे पास है ओप्पो का रेनो 7 5G और ओप्पो का ही रेनो 8 5G। यहाँ पे बैक साइड में जो है दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको ट्रिपल रेयर कैमरा और फ्लैश लाइट का सेटअप दिया है। और यहाँ पे जो कलर है ये दोनों भी ब्लैक है, लेकिन रेनो 7 का जो ब्लैक कलर है ये ब्लू शेड के अंदर देखने को मिल जाता है और रेनो 8 का जो ये ब्लैक कलर ही आ जाता है। यहाँ पे बैक स्ट्रक्चर जो है दोनों भी हैंडसेट का मैट फिनिश के अंदर में आ जाता है, जो कि डस्ट प्रूफ आ जाता है बैक स्ट्रक्चर दोनों भी हैंडसेट का। रेनो 8 की जो डिज़ाइन ये बॉक्सी डिज़ाइन के अंदर दिया है हैंडसेट, और रेनो 7 का जो ये 3D कर्वेट डिज़ाइन दिया है इसके अंदर में। यहाँ पे लुकिंग की अगर बात करेंगे तो रेनो 8 के अंदर थोड़ा सा न्यू लुक देने की कोशिश की है ओप्पो ने। बैक पैनल जो ये आपको सिंगल पैनल के अंदर दिया है, जैसे कैमरे के ऊपर कट होता तो इसके अंदर कुछ भी कट नहीं दिखता है। और इस साइड में जो ये दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको पावर की दी है और अपोजिट साइड में वैल्यूम अप एंड डाउन की दी है। वही अगर नीचे के साइड में देखेंगे तो आपको स्टीरियो स्पीकर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, रेनो 7 के अंदर आपको हेडफोन जैक 3.5 mm का दिया है और 8 के अंदर टाइप सी का। रेनो 7 के अंदर आपको ट्रिपल स्लॉट दिया है, 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड का, और रेनो 8 के अंदर 2 SIM ही लगा सकते हैं, इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते। फ्रंट कैमरा तो दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको 32 MP का दिया है। रेनो 7 के अंदर आपको सोनी IMX615 का लेंस दिया है और रेनो 8 के अंदर सोनी IMX709 का। बैक कैमरा जो ये रेनो 7 के अंदर आपको 64+8+2 का दिया है। रेनो 8 के अंदर दिया है 50 MP का मेन कैमरा सोनी IMX766 लेंस के साथ में, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 MP का माइक्रो कैमरा। यहाँ पे वेट की अगर बात करेंगे तो रेनो 7 का वेट दिया है 173 ग्राम 7.8 mm की थिकनेस के साथ में, और रेनो 8 का दिया है 179 ग्राम 7.67 mm की थिकनेस के साथ में। यहाँ पे स्टार्टिंग स्पीड की अगर बात करेंगे तो दोनों भी हैंडसेट सेम टाइम पे ऑन हो चुके हैं, स्पीड टू सेम दी है। यहाँ पे कैमरे के अंदर जो ये दोनों भी हैंडसेट के अंदर लगभग सेम ऑप्शन दिए है, टाइम लैप्स, पोर्ट्रेट मोड, पैनोरामा, एक्स्ट्रा HD, डुअल व्यू रिकॉर्डिंग का भी जो इसे ऑप्शन इसके अंदर दिए है, टेक्स्ट स्कैनर का भी ऑप्शन इसके अंदर आ जाता है। और यहाँ पे जो ये दोनों भी हैंडसेट के अंदर आप 4K के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, 4K का ऑप्शन आपको कैमरे के अंदर दिया है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और स्लो मोशन का भी ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है। और यहाँ पे जूमिंग की अगर बात करेंगे तो दोनों भी हैंडसेट के अंदर 20x तक के डिजिटल जूम का ऑप्शन दिया है, रेनो 7 के अंदर में भी और रेनो 8 के अंदर में भी। यहाँ पे कैमरा क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट वाला फ़ोन है रेनो 8 और सेकंड है रेनो 7। यहाँ पे इमेजेस क्वालिटी जो आपको रेनो 8 के अंदर दी गई है वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेटर ऑप्शन दिया है, और काफ़ी ब्राइट इमेजेस भी आ जाती है इसके अंदर। कलर भी आप देख सकते हैं जो रेनो 8 के अंदर वो ओरिजिनल कलर ही इमेजेस का दिख जाता है इसके अंदर में, लेकिन रेनो 7 के अंदर थोड़ा सा कलर का शेड चेंज करके बताता है। इमेजेस क्वालिटी के अंदर रेनो 8 जो है ये काफ़ी अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे जो है ये फ्रंट कैमरे की इमेजेस है इसके अंदर में भी आपको रेनो 8 के अंदर काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेटर क्लियरिटी दिखने को मिल जाती है। ये जो ये पोर्ट्रेट मोड के अंदर फोटो लिया हुआ है, काफ़ी ब्राइट और काफ़ी कलर सेचुरेशन के साथ में इमेजेस आ जाती है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर में भी आपको रेनो 8 की जो इमेजेस क्वालिटी है और इसके अंदर जो स्टेबिलिटी दी है वो काफ़ी अच्छी दी है। रेनो 7 के मुकाबले जो ये वीडियो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती है रेनो 8 के अंदर में। और स्लो मोशन की अगर बात करेंगे तो स्लो मोशन जो ये काफ़ी अच्छे से हो जाता है, यहाँ पे दोनों भी हैंडसेट के अंदर स्लो मोशन जो ये काफ़ी परफेक्टली दिया है इसके अंदर में। यहाँ पे डिस्प्ले की अगर बात करेंगे तो दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको पंच होल स्क्रीन दी है, और डिस्प्ले जो है ये एमोलेड स्क्रीन आ जाती है दोनों भी हैंडसेट के अंदर में। ओप्पो रेनो 7 का जो स्क्रीन साइज दिया है 6.43 इंच और रेनो 8 का दिया है 6.4 इंच। यहाँ पे रिजोल्यूशन जो ये दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको फुल HD प्लस में दिया है 1080x2400 पिक्सल का, और एक्सपेक्ट रेशियो भी सेम आ जाता है 20:9 का। स्क्रीन टू बॉर्ड रेशियो दिया है 19.8%। रिफ्रेश रेट जो ये दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको 19 Hz का मिल जाता है, और प्रोटेक्शन के हिसाब से हैंडसेट के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया है। और यहाँ पे जो ये पर्सनलाइजेशन के अंदर दोनों भी हैंडसेट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि सेम ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, जिससे आप इसके अंदर फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो लोगो है वो भी आप इसके अंदर अलग अलग स्टाइल से रख सकते हैं। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर की अगर बात करेंगे तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है दोनों भी हैंडसेट के अंदर, फेस अनलॉक और पैटर्न के भी ऑप्शन दिए हैं।
यहाँ पे परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो ओप्पो रेनो 8 के अंदर जो प्रोसेसर दिया ये आ जाता है मीडियाटेक का डायमंड सिटी 1300 का, और रेनो 7 के अंदर आ जाता है डायमंड सिटी 900। क्लॉक स्पीड जो ये रेनो 8 के अंदर आपको 3 GHz की दी है और रेनो 7 के अंदर 2.2 GHz की। यहाँ पे 5G बैंड की अगर बात करेंगे तो रेनो 8 के अंदर आपको 12 5G बैंड दी है और रेनो 7 के अंदर 13। यहाँ पे रैम एक्सपेंशन का जो ऑप्शन है ये दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको दिया है। यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करेंगे तो दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी दी है। रेनो 7 के अंदर जो चार्जर दिया है ये आ जाता है 65W का और रेनो 8 के अंदर दिया है 80W का। और यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन की अगर बात करेंगे तो रेनो 8 के अंदर आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट दिया है और रेनो 7 के अंदर एंड्रॉयड 11 का। यहाँ पे दोनों भी हैंडसेट जो ये 8GB वाले वेरियंट के साथ में आ जाते हैं। रेनो 8 के अंदर आपको 8/128 वाला वेरिएंट दिया है 31999 में, और रेनो 7 जो ये 8GB 256GB आ जाता है 28999 में, ₹1000 का डिफरेंस आ जाता है। रेनो 8 जो ये ₹1000 कम में आपको 8GB 256GB का स्टोरेज भी इसके अंदर दिया है, लेकिन इसके अंदर जो आपको कैमरा क्वालिटी उतनी नहीं दी है जितनी रेनो 8 के अंदर दी है। और रेनो 8 के अंदर आपको 80W का चार्जर भी मिल जाता है और इसके अंदर आपको कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी है। लुकिंग वाइज जो ये काफ़ी बढ़िया हैंडसेट दिया है, बॉक्सी डिज़ाइन के साथ में आ जाता है और काफ़ी स्टाइलिश लुक दिया है इसके अंदर में, और प्रोसेसर भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा दिया है। कैमरे के हिसाब से अगर लेना चाहते तो रेनो 8 जो ये काफ़ी अच्छी चॉइस आ जाती है। रेनो 7 के अंदर आपको सिर्फ स्टोरेज ज़्यादा दिया है और कैमरा क्वालिटी उतनी नहीं दी इसके अंदर में। ऐसे ही मोबाइल कंपैरिजन के लिए और मोबाइल अनबॉक्सिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।